सो यो वेलकम गाइस, स्वागत करता हूँ आज के इस वाले वीडियो के अंदर सभी लोगों का। और इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने एंड्रॉइड 13 के जो एरर है उसको फिक्स कर सकते हो। एरर मैं नहीं कहूंगा, क्या है कि एंड्रॉइड हमारा जो है डिफॉल्ट हमको परमिशन नहीं दे रहा है हमारे डेटा फोल्डर के अंदर फाइल को ट्रांसफर करने की। सो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से उस फाइल को अपने एंड्रॉइड डेटा के अंदर कॉपी एंड पेस्ट कर पाएंगे। लाइक क्या ऐसे स्टेप्स है जो आप कर सकते हो, क्योंकि ऑफिशियली एंड्रॉइड हमें परमिशन नहीं दे रहा है कि हम अपनी जो मॉडपैक की फाइल है वो उस एंड्रॉइड फोल्डर के अंदर डाल सके, डेटा फोल्डर के अंदर डाल सके। इवन ओबीबी फोल्डर के अंदर भी हमको परमिशन नहीं मिलती। सो व्हाट यू कैन डू इन दिस सिचुएशन, सो अगर आप इसको फिक्स करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और ये चीज़ फिक्स हो सकती है, ये कोई ऐसा बिग इशू नहीं है जो आपको गेम खेलने से रोकने वाली है, ये इजीली हो सकती है। बस आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, अगर ये वीडियो नहीं देखी पूरी आई डोंट थिंक आपका जो मॉडपैक है वो रन करने वाला है। सो यू हैव टू वॉच दिस वीडियो केयरफुली। जो स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ इन दिस वीडियो वो आपको बहुत ध्यान से देखने हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला स्टेप जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आई नो काफ़ी लोग वीडियो स्किप करेंगे, अगर वीडियो नहीं देखोगे तुम लोग तुम्हारा ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको स्टेप्स को केयरफुली करना होगा। क्योंकि इस वीडियो में मैंने ये दिखाया कि अगर आप स्टेप्स कर भी लेते हो उसके बाद में भी आपको कुछ नए प्रॉब्लम्स आने वापस से चालू हो जाएंगे, तो उनको कैसे सॉल्व करना है वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो ये वीडियो आपको केयरफुली वॉच करनी है। तो यहाँ पे आपको प्ले स्टोर पे फाइल सर्च करना है, एंड फाइल सर्च करने के बाद में आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। नीचे आकर के ये आपको दिख जाएगा फाइल्स करके कुछ इस टाइप का सॉफ्टवेयर है, ऐसा सॉफ्टवेयर है एग्जैक्टली आपको यही डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में हम यहाँ पे आप पहले तो देख सकते हो कि ये दिखता कैसा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस होगा, दिखने में बहुत ही नॉर्मल सा है। इसको हम परमिशन के लिए यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद में आपको अपना जेड आर्चीवर ओपन करके यहाँ पे जैसे मैं मॉड में जाता हूँ, ये मेरा मॉड पैक है ये मेरा, और इसको जो ये जो फाइल है इसको मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डिवाइस मेमोरी में जाके एंड्रॉयड में जाके एंड डेटा में जाकर के अगर मैं जैसे इसको पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एंड्रॉयड रिस्ट्रिक्शन का एरर आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना देता हूँ पहले से, यहाँ पे मैं 3 डॉट पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे हम सर्च करेंगे GTA San Andreas। लिखते ही आपके सामने जो है यहाँ पे आ जाएगा फोल्डर, इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे फोल्डर बन जाएगा। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आप यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आपके फ़ोन में GTA San Andreas की APK इंस्टॉल नहीं है तो आपका ये जो है फोल्डर बनाने वाला जो स्टेप है ये नहीं आने वाला, ठीक है। आपको अपने फ़ोन में APK को इंस्टॉल करके रखना होगा पहले से, सो दैट आप APK को सर्च करके और फोल्डर बना सको, ठीक है। तो ये चीज़ करना मत भूलिएगा। आप जैसे ही आपका ये वाला जो है स्टेप हो जाता है, यहाँ पे आप फाइल को पेस्ट कर दोगे एंड यहाँ पे एक एरर आ जाएगा। तो मैं बता दूँ मोस्ट ऑफ द केसेस में तो काफ़ी लोगों का एरर फिक्स हो जाएगा इस केस में, क्योंकि बहुत सिंपल सा स्टेप है, जैसे आपको खुद से मैन्युअली क्रिएट करना है फोल्डर को। लेकिन अगर कुछ लोगों के साथ ये वाला एरर आ रहा है जो मेरे अभी आया है, तो इस एरर के लिए बेसिकली ये एरर क्या है मैं समझा देता हूँ। ये एरर ये है कि मॉडपैक के अंदर कुछ फाइल्स होती है, कुछ ऐसी फाइल्स जो कि एंड्रॉयड ऑफिशियली अलाउ नहीं करता है अपने डेटा फोल्डर के अंदर। हर एक फ़ोन की बात कर रहा हूँ मैं, एंड्रॉयड 13 के अंदर स्पेशली, तो इसलिए यहाँ पे ये एरर दिखा दे रहा है। लेकिन इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे बाईपास मैंने इसको किया था, वो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये भी जेड आर्चीवर से होने वाला है, तो अपने इस वाली वीडियो को देखना मत भूलना, अभी से कंटिन्यू देखते रहो वीडियो को, छोड़ के मत जाना। अगर छोड़ दिया आपने वीडियो को तो आपका गेम अगेन से क्रैश करने लग जाएगा, मतलब आपकी फाइल ही जो है डेटा फाइल के अंदर नहीं जाएगी। सो वॉच दिस वीडियो केयरफुली फ्रॉम नाउ। तो एरर को ओके करेंगे एंड जो हमने फाइल पेस्ट करी थी इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। इसको कम्प्लीटली डिलीट करने के बाद में जेड आर्चीवर के यहाँ पे सेटिंग में आकर के क्लियर कैशे कर देंगे एंड क्लियर स्टोरेज डेटा डिलीट कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, ये करना मत भूलना, ठीक है। पूरा यहाँ से जो कैशे इसका क्लियर कर देंगे एंड फिर हम जेड आर्चीवर को ओपन करेंगे एंड देन अलाउ के ऑप्शन में क्लिक करके हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद में देन यहाँ पे आप देखोगे एंड्रॉयड का फोल्डर उसके अंदर नहीं जाना है, आपको जाना है डाउनलोड के फोल्डर के अंदर एंड जो अपनी मॉडपैक की फाइल है उसको कॉपी करके एंड्रॉयड में जाएंगे, डेटा में जाएंगे। एंड डेटा में जाने के बाद में आपको यहाँ पे सिंपली आपने जो फोल्डर बनाया था उस फोल्डर के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। एंड यहाँ पे जैसे परमिशन मांग रहा है ये ओके कर देते हैं हम इसको, एंड यहाँ पे एक और परमिशन मांग रहा है यूज़ दिस फोल्डर, तो इसको अलाउ कर दो, ठीक है। ये रिसेंटली आपकी जो परमिशन मांगेगा स्टार्टिंग से, एंड देन यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा एक्सट्रैक्टिंग होना चालू हो जाएगा। तो ये एक्सट्रैक्टिंग होता रहेगा और अभी आप देख सकते हो
एंड ये कॉपी होना चालू हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो कि ये कॉपी होना चालू हो चुका है और अभी हम देखते हैं कि हमें एरर आता है कि नहीं आता है। तो अभी हमने इसको कॉपी ऑलमोस्ट ये होने वाला है एंड ये हो चुका है लेकिन हमको फिर से एरर आ गया है। अब मैं बताता हूँ इस एरर को वापस से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये बार बार एरर्स आपको आते रहेंगे। तो अभी मैंने क्या है कि मैंने पूरा फोल्डर पेस्ट कर दिया था राइट, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो फोल्डर मैंने पेस्ट किया था उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं पूरा फोल्डर जो है वो यहाँ पे नहीं कॉपी करने वाला हूँ, मैं सीधा जाऊँगा मोड पैक के फोल्डर के अंदर और वहाँ से ये वाली जो फाइल्स है सारी इनको मैं कॉपी कर लूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो फाइल्स है इसका पहले साइज़ देख लो आप इतना है एंड यहाँ पे मैं फाइल्स के साथ में सारे क्लर स्क्रिप्ट्स को जो है फॉलो कॉपी करके एंड यहाँ पे कॉपी करके मैं एंड्रॉयड डेटा के अंदर ला करके एंड यहाँ पे मैं फोल्डर को फाइंड करूँगा GTSA का एंड उसके अंदर जाने के बाद में मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो मैंने इस बार क्या किया है कि मैंने जो है ना अपने सारे स्क्रिप्ट्स को और अपने फाइल के फोल्डर को इसके अंदर पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे कॉपी हो गया एग्जैक्टली, यहाँ पे कोई इशू नहीं आया। तो समटाइम्स ये हो सकता है कि आपका एंड्रॉयड डिटेक्ट कर लेता है आपकी फाइल जो आप पेस्ट कर रहे हो और समटाइम वो फाइल डिटेक्ट ना करे। तो जैसे अभी मेरे केस में हुआ था, फाइल डिटेक्ट हो गई थी और इस वजह से एंड्रॉयड अलाउ नहीं कर रहा था, एरर आ रहा था ZR चीवर से। सो इसलिए हमने क्या किया, वापस से हमने पेस्ट किया लेकिन डिफरेंट वे से। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू ट्राई इन अ डिफरेंट वेरिएशंस, देन यू कैन प्ले योर गेम। आप अपनी फाइल को एक बार पेस्ट कर दोगे एंड देन अपना गेम ओपन करोगे, आपका गेम रेडी है, आप खेल सकते हो अपना गेम इजीली, देर इज़ नो प्रॉब्लम। एंड ये एक सिंपल सा स्टेप था जो आपको फॉलो करना था। आई नो कई कई जगह पे ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन गया था, लाइक आपको ट्राई करना था, वापस से ट्राई करना था, बट एक्चुअली ये एंड्रॉयड 13 की आप बोल सकते हो कि अभी की जो ये चीज़ है ये काफ़ी लोगों के साथ हो रही है। ऑल्दो मेरे को कोई कमेंट्स नहीं आए थे इससे रिलेटेड, बट मैंने सोचा कि ये वीडियोज़ में बना देता हूँ। हो सकता है ये वाली वीडियो आगे जाके फ्यूचर में जो लोग एंड्रॉयड 13 बाय करने वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करे। तो आई होप कि ये वाली जो चीज़ है आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। और हाँ, मैंने जो प्रोसेस बताया मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आई थिंक स्पीडली बताया, तो प्लीज़ गाइज अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप वापस से रिप्ले करके वीडियो को देख सकते हो अच्छे से, आपको सब कुछ चीज़ समझ में आ जाएगी। और फिर भी अगर आपका नहीं होता है, कुछ इशू आता है, देन आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। इंस्टाग्राम किस लिए भाई, इंस्टाग्राम पे आओ और अगर हो सकता है तो डिस्कॉर्ड पे मैसेज कर दो, क्योंकि डिस्कॉर्ड पे मैं एनी टाइम एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ हैंड टू हैंड। इंस्टा पे भी मैं एक्टिव रहता हूँ लेकिन मैं पूरे दिन एक्टिव उस पर नहीं रहता हूँ, तो आप चाहो तो मुझे डिस्कॉर्ड पे मैसेज कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो। अगर आपके पास डिस्कॉर्ड का अकाउंट नहीं है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आई विल रिप्लाई यू विद इन द 24 आवर्स। एंड आई होप कि ये वाला जो सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। एंड मैं थैंक यू करता हूँ सभी लोगों का जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को देख लिया है और जो अभी तक देख रहे हैं। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, क्योंकि अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दो। जिसने भी अभी तक इस वीडियो को देखा है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 20,000 सब्सक्राइबर्स हमारे जल्दी, बहुत जल्दी होने वाले, एक अच्छी लाइव स्ट्रीमिंग भी मैं करने वाला हूँ। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय गाइज़।